Please make sure to hit that like button and subscribe to my YouTube channel so that you'll never miss an update. Also, follow me on Instagram. My Instagram handle is @thedatecookrecipes123. There, I share the live updates of what I do and what I eat. एक बार पता कर लीजिए, वैसे तो सीजनल है वो भी, नहीं तो देख लीजिए ना फिर कभी तो हम ऑर्डर। Hi guys, welcome back to my channel. I'm staying at the Fortune Select Global for my staycation और मैं आई हुई हूँ डिनर के लिए. I'm at the Orchid which is the multi cuisine restaurant of this place. I'm here with my family. तो अभी हमने खाना ऑर्डर कर दिया है, जैसे ही आते आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या मंगवाया है. तो यहाँ पे पापड़ चटनी सैलेड भी आ गए हैं और खाना आने में अभी थोड़ा टाइम है, तो तब तक ये सर्व कर लेती हूँ. आई गेस दिस इज मिक्स्ड अचार. मैंगो वाला आ गया, मेरे को तो नींबू का चाहिए. मैं टमाटर और यहाँ पे चटनी भी आ गई है. काफ़ी अमी चटनी होती है, इवनिंग में समोसा के साथ तो ट्राई की ही थी. माय सिस्टर इज़ रियली स्वीट, उसने हेल्प कर दी है सब सर्व करने में मेरी. तो अब मैं इसे ट्राई करूँगी. ये फ्राइड पापड़ है उड़द की दाल का और इसमें पेयर करी हूँ हरी चटनी के साथ. दिस पापड़ इज़ सुपर फ्रेश एंड क्रिस्पी, अभी अभी बनकर आया है. और ये चटनी तो है काफ़ी रिफ्रेशिंग, एकदम स्पाइसी है. आई लव कुकम्बर्स. टमेटो ऑनियन भी आया है मगर वो मेरा फेवरेट नहीं है इसलिए मैंने लिया नहीं. यम्मी, पापड़ से ज़्यादा अच्छा ना कुकुम्बर और चटनी का कॉम्बिनेशन लग रहा है. हियर्स द दाल मखनी, कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन है इसकी. और यहाँ पे है पालक पनीर. There's the steamed rice. इसके अलावा हमने कुलचा ऑर्डर किया है आलू और गोभी का. Here's the कुलचा. इनका पोर्शन मेरे को काफी अच्छा लगा खाने का.
मज़े दाल मखनी पालक पनीर कितना अच्छा दिख रहा है, देख कर ही मैं बता सकती हूँ इट इज़ वेरी टेस्टी। और यहाँ पे कुलचा है दो टाइप का, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई एम गोना ट्राई द फूड बिकॉज आई एम सुपर हंग्री राइट नाउ। और यहाँ पे मैंने आपको दिखाई दिया है ऑर्डर क्या क्या किया है, तो अब खाऊंगी। सबसे पहले ट्राई करने वाली हूँ मैं आलू का नान, इट इज़ सुपर हॉट। आलू की काफ़ी ज़्यादा स्टफिंग है इसके अंदर, आप देख ही सकते हो पूरा भरा हुआ है ये नान, कुलचा यू कैन कॉल इट वट एवर यू वॉन्ट टू, वैसे यहाँ पर तो कुलचा कह रहे थे इसे। इसे मैं पे करूँगी दाल मखनी के साथ, क्लासिक कॉम्बिनेशन है आलू कुलचा विद दाल मखनी, किसे नहीं पसंद। एंड जस्ट लुक एट दिस दाल, इट लुक्स रियली क्रीमी, बहुत ही ज़्यादा बटरी फ्लेवर है दाल का, बटर अच्छे से डाला हुआ है इन्होंने इसमें, आई कैन सी सम क्रीम ऑन इट, गार्निशिंग बहुत अच्छी थी इसकी। दाल ब्लैंड नहीं है बिल्कुल भी, यूजली होटल्स में ना ब्लैंड लगती है दाल तो मज़ा नहीं आता, बट दिस वन इज़ रियली गुड। कसूरी मेथी का भी फ्लेवर है दाल में, अच्छा लग रहा है। नाउ आई गोना ट्राई द पालक पनीर, पालक इज सो थिक, इस डिश के नाम में लहसुनी पालक था नहीं, मगर ना इसके अंदर गार्लिक का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है, अच्छा लग रहा है। और ना बेस्ट पार्ट ये है कि बहुत ज़्यादा अनियन नहीं है इसमें, अनियन से ना वो थोड़ा मीठा मीठा हो जाता है, अच्छा नहीं लगता, ये अच्छा लग रहा है। हींग भी डाला हुआ है इसमें इन्होंने बहुत सारा, और पालक तो आजकल सीज़न में है तो ये डिश अच्छी लगनी ही थी। तो आलू कुलचा तो मैंने ट्राई कर लिया है, अब मैं गोभी कुलचा ट्राई करूँगी जो कि नीचे वाला है। इसके अंदर कॉलीफ्लावर होता है बहुत सारा और स्पाइस्ड स्टफिंग है इसकी, इसको मैं पेयर करने वाली हूँ पालक पनीर से। मैंने सोची थोड़ा पनीर भी ट्राई करती हूँ, पनीर लुक्स रियली सॉफ्ट एंड क्रीमी बाय द वे। पनीर इज़ नॉट माई फेवरेट मगर मुझे पालक बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड सिल्की पीसेज है पनीर के, लिटरली मेल्टेड माउथ टेक्सचर है इसका, टोटली लविंग इट। मगर हाँ दाल मखनी ज़्यादा पसंद है मुझे क्योंकि वो है ही मेरी फेवरेट। कुलचा के अंदर इन्होंने बहुत सारा धनिया डाला है तो उससे ना बहुत अच्छा अरोमा आ रहा है, और बटर लगाया हुआ था इन्होंने इसके ऊपर तो उससे भी टेस्टी हो गया है। नाउ आई एम गोना ट्राई द राइस, दिस इज़ द क्लासिक बासमती राइस, स्टीम वाले मंगवाए हैं क्योंकि ना दाल के साथ इसका कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। वैसे और भी ऑप्शंस होते हैं इनके पास राइस में, आप वो भी ले सकते हो, तो दाल मखनी के साथ मैं ट्राई कर रही हूँ इन्हें। राइस इज़ परफेक्टली कुक और दाल के साथ अच्छा लग रहा है, मगर हाँ आलू कुलचा और दाल का कॉम्बिनेशन तो बेस्ट है नो डाउट। सो यार गाइस नाउ आई एम गोना फिनिश माय फूड एंड मीट यू विद द डिज़र्ट। नाउ इट्स टाइम टू ट्राई द डिज़र्ट, और ना ऑप्शंस तो यहाँ पे बहुत थे मगर मेरा मन था रसमलाई खाने का, इट इज़ माय फेवरेट दीज डेज, तो फिर मैंने यही ऑर्डर कर ली। काफ़ी अच्छी सी दिख रही है, क्यूट सी छोटू सी, और इसके साथ इसे मिल्क आया सैफ्रन वाला जो कि हर जगह आता है तो मैं क्या बता रही हूँ इसे, बट हाँ ऊपर इन्होंने बहुत अच्छी गार्निशिंग कर रखी है आमंड से, तो पहला बाइट लूँगी। मुझे ना इसका लिक्विड ज़्यादा पसंद नहीं है, मेरे को जस्ट ये पीस खाना पसंद है, आपके साथ भी ऐसे होता है क्या कमेंट करके बताना। आई गेस ये ना कज़न लगती है मेरे को रसगुल्ला का, इट्स जस्ट बेटर देन दैट, वैसे वैसे ही लगती है सॉफ्ट सी। अच्छी है, इट इज़ क्वाइट सॉफ्ट, आमंड्स डले हुए इसमें बहुत सारे, मैं पिस्ता को मिस कर रही हूँ, पिस्ता से बहुत अच्छा कलर आ जाता है इसमें, वो ऐसी भी सही लग रही है। परफेक्टली स्वीट है रसमलाई, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मीठा मीठा है, और ना इसका लिक्विड भी बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, बहुत ज़्यादा थिक वाली रसमलाई अच्छी नहीं लगती मेरे को, हैवी हो जाती है वो, बट इट इज़ रियली लाइट, एकदम खाओगे ना पता ही नहीं चलता कहाँ गई। तो यार गाइस आई एम गोना फिनिश दिस एंड गो बैक टू माय रूम, खाना तो बहुत अच्छा था यहाँ पे, मज़ा आ गया। मैंने यहाँ पे बुफे भी कर रखा है बहुत बारी, और मेरे को ना इनका आला काटे ज़्यादा अच्छा लगा बुफे से।
A lot of you guys watch my videos but do not subscribe. Please guys subscribe to my YouTube channel. That will not only support me but also motivate me getting more such videos.